देखिए महादेव और माँ पार्वती की जोड़ी जो है वो अमर है, और इसीलिए तो लोग 16 सोमवार के उपवास रखते हैं कि बस हमारी जोड़ी भी ऐसी ही बनी रहे। तो चलिए इस जोड़ी को बनते हुए, यानी कि वो नजारा जब महादेव और माँ पार्वती का विवाह हुआ, आज वो दृश्य भी देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं सीरियल शिव शक्ति की, जहाँ पर हो रहा है महादेव और माँ पार्वती का शुभ विवाह। जिस पल का इंतजार विष्णु, ब्रह्मा और बाकी के देवता कर रहे थे, आखिर वो दिन आ ही गया। देवी पार्वती ने तप, त्याग और तांडव की परीक्षा को पार कर लिया है, जिसके कारण ही आज संसार का सबसे बड़ा विवाह होने जा रहा है, महादेव और पार्वती का। और इसके साक्षी बने हैं संसार के हर देवता, जो अपनी आंखों से महादेव को देवी पार्वती की मांग भरते देख रहे हैं। इस प्रेम कथा का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, इसलिए तो आज देवी पार्वती की खुशी बयां नहीं की जा सकती, क्योंकि आज उन्हें उनका प्रेम जो मिल गया है। आज ही शायद वेडिंग सीक्वेंस शूट कर रहे हैं, और सब आई थिंक वी ट्राइड आवर बेस्ट टू मेक इट लुक एज ग्रैंड एज पॉसिबल, और होपफुली आप सबको भी पसंद आएगा और ग्रैंड लगेगा। संसार का सबसे बड़ा विवाह है शिव पार्वती, और सबसे अच्छा कपल अगर किसी का एग्जांपल देते हैं तो शिव पार्वती ही हैं, और लोगों की श्रद्धा जुड़ी है इनसे और इस विवाह से, क्योंकि ये सबसे बड़ा पर्व था और है भी और सदा रहेगा भी। देवी पार्वती और महादेव का विवाह जब शुरू हुआ, तब देखो कैसे नागराज वासुकी और चंद्रदेव शिव जी से भिन्न यानी कि अलग हो जाते हैं, जिसे देख वहां के लोग काफी भयभीत हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। तब देवी पार्वती खुद बताती हैं कि घबराने की बात नहीं, सभी शांत हो जाएं, क्योंकि नागराज वासुकी और चंद्रदेव खुद एक पुरुष हैं, इसलिए विवाह की विधि के कारण ही वो शिव जी से अलग हुए हैं। चंद्रदेव और नागराज वासुकी की पुरुष है, और विवाह एक पुरुष का एक स्त्री से होता है, इसीलिए महादेव से भिन्न होता। तब जाकर लोग शांत होते हैं। वैसे देवी पार्वती दुल्हन के गेटअप में काफी सुंदर लग रही हैं, लेकिन रियल में देखा जाए तो देवी पार्वती का किरदार निभाने वाली सुभा राजपूत के लिए ये लुक कैरी करना आसान नहीं है। इस लुक में आने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, पर महादेव का किरदार निभाने वाले राम को उतनी मेहनत नहीं लगती जितनी कि सुभा राजपूत को। शुरू में तो ये चैलेंज था, क्योंकि मेरा फर्स्ट मैराथन था, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था, क्योंकि वो आपके सर पे कोई 150-200 पिन्स लगती है वो उस क्राउन को करने के लिए, एंड 3-4 आवर्स लगते थे मेकअप में। पर धीरे धीरे और टाइम के साथ वो स्पीड भी बढ़ती जाती है, मेकअप हेयर को भी समझ आ जाता है कि वॉट इज़ रिक्वायर्ड, और वैसे वैसे हम लोग अडेप्ट होते गए। अभी फिर भी अभी एक रेगुलर लुक के लिए 2 आवर्स तो लगते हैं। एनी का बहुत हैवी कॉस्ट्यूम, मेरा तो एक वो है लुंगी जो भोलेनाथ की होती है वो है, और बाकी ज्वेलरी है बस, या एक विग मेरा बहुत हैवी है, विच इज़ क्वाइट इट्स नॉट डिफिकल्ट टू कैरी नाउ, आई एम अभी तो काफ़ी हद तक एडजस्ट कर चुके हैं। महादेव और पार्वती का शुभ विवाह तो हो गया, और ये मानव कल्याण के लिए बहुत जरूरी भी था, क्योंकि इसके बाद ही ताड़कासुर की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू होगी। शिव और पार्वती से पैदा होने वाली संतान ही ताड़कासुर का वध करेगी। उमरगांव से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ सोनू शुक्ला की रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।